सुवांडोरे हेब म्यूजियम रहिबो गोपबंधु 15 फुट्र ब्रोंज प्रतिमूर्ति उत्कलमणि पंडित गोपबंधु ओडिया जातिर गर्व ओ गौरव ओडिया जाति पाई तांको त्याग को ए जाति केबे भूली पारिबो नाही तांको जन्मस्थान प्रति ओडियांकर तीर्थक्षेत्र गोपबंधु जन्मपीठ पुरी जिला सुवांड ग्राम को केवल एक पर्यटन स्थल नुहे ए ज्ञानर केन्द्र भाव में विकसित करने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश क्रमे काम आरंभ होई उत्कलमणि त्यागपूत जीवन ओ आदर्शर प्रचार प्रसार गोपबंधु जन्मपीठ विकास योजना को पूर्व मुख्यमंत्री अनुमोदन करिसेंति गोपबंधु जन्मपीठ विकास से अंचल जनसाधारण बहु दिन दाबी थिला मुख्यमंत्री 5T सचिव भी कार्तिकेय पांडियान आज सुवांडो जाई सेठरे चालिथिबा विकास काम बुली देखिथिले प्रथमे 5T सचिव पांडियान गोपबंधु सठी घर को जाई उत्कलमणि प्रति श्रद्धा निवेदन करिथिले गोपबंधु दायदवान को भेटी स्मृतिपीठ विषय आलोचना करिथिले उत्कलमणि जन्मपीठ विकास पई सरकार पदक्षेप सेमाने उच्च प्रशंसा करिथिले राज्य सरकार पक्षर यार पुनरुद्धार कार्य हाथ को निजा सह द्रुत गति निर्माण कार्य जारी रही शिव मंदिर 2 पोखरी पैतृक बासगृह ग्राम को उन्नत रास्ता परिक्रमा रास्ता पार्क म्यूजियम निर्माण कार्य को आज 5T सचिव बुली देखा बेले 2-3 मास मध्य निर्माण कार्य शेष करने को जिलापा निर्देश देते सुवांडे निर्माण होता पार्किंग प्लेस रिसेप्शन सेन्टर तथा मंदिर निर्माण कार्य को पांडियान बुली देखा सह गोपबंधु स्मृति बहन कर विभिन्न सामग्री को नहीं म्यूजियम पोखरी आदि चलता विकास कम अनुधान कर विशेषकर सुवांडे गोपबंधु 15 फुट उच्चर एक ब्रोंज प्रतिमूर्ति स्थापन नहीं से ग्रामवासी आलोचना करते प्राय 24 कोटी टंका व्यय निर्माण कर समस्त प्रकल्प कार्य को शीघ्र और सुचारू रूपे शेष करने लक्ष्य रखी ए दिगरे ग्रामवासी सहयोग कामना कर तेज दीर्घ 50 वर्ष पर सुवांड ग्राम रही उन्नतिकरण कार्य कर सुवांडवासी बेस गौरवान्वित मन कर सरकार प्रचेषा को साधुवाद जन ग्रस्त अवसर पुरी जिलापा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे पुरी भगवान पूजा पंडा रिपोर्ट विश्वविजयी न्यूज ओडिशा।